हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आपका फिर से एक बार स्वागत है 524 पर। आज का टॉपिक रहेगा अपना सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो एक प्रॉब्लम करेंगे सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की, जिसकी एक प्रॉब्लम आपके सामने ये है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करके बता देता हूँ, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको रीड कर लीजिए। तो चलिए एक बार मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूँ कि हमें दो प्रोडक्ट तैयार करने हैं, ए एंड बी। एम वन मशीन पर और एम टू मशीन पर ए टाइम लेता है 4 मिनट और M2 पर 6 मिनट और ये 1 मिनट 1 मिनट। लिमिटेशन कितनी दे रखी है, लेस देन इक्वल टू कितनी 650 M1 के लिए और लेस देन इक्वल टू M2 के लिए 800 मिनट। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉब्लम तो खैर हम सोल्व कर ही लेंगे, मेन है हमारा इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको एलपीपी बनाना सिखाना और इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है किसी भी एलपीपी को सोल्व करने के लिए। तो आपको ये बिल्कुल इसके टॉपिक के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या है, ऑप्टिमल फंक्शन तैयार करना पड़ेगा, इस पर जो कॉस्ट दे रखी है, ए पर प्रॉफिट दे रखा है 10 रुपए का और बी के ऊपर कितना है 12 रुपए का। तो इस हिसाब से अपना जेड जो बनेगा वो जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स ए की सेल करेगा और जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स बी की सेल करेगा उस प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमारा जेड निकलेगा। ये क्या है, ऑप्टिमल फंक्शन, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा उसका क्या रहेगा, जेड मैक्सिमम होना चाहिए। एक्स ए यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम ए की भी कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बी की भी कर सकते हैं, जस्ट लिमिटेशन हमारी 650 मिनट और 800 मिनट। लेकिन एक्स वन और एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स तो डिफरेंट प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे मैं बी की यूनिट प्रोड्यूस ही ना करूं या बी का प्रॉफिट ज़्यादा है इसलिए मैं ए का करूँ ही नहीं, सिर्फ बी की प्रोडक्शन करूँ, तो क्या मेरा जेड जो है मैक्सिमम आ जाएगा? तो कुछ मिनट खराब भी जाएंगी, उसका कैसे यूज़ होगा? हम इसका प्रॉपर कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे, ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे। तो जो भी एक्स ए और एक्स बी की वो वाली वैल्यू जो हमें जेड मैक्सिमम देंगी उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यू ए प्लस यू बी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड यूनिट्स ऑफ बी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अभी स्मार्टेस्ट अप्रोच करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हमें क्या बताता है, कंस्ट्रेंट कैसे तैयार, ये हमारा क्या है ऑप्टिमल फंक्शन। कंस्ट्रेंट कैसे तैयार होगी, कंस्ट्रेंट होगा 4 मिनट्स लेता है एक्स वन या एक्स ए बोलिए इसको, एक्स ए क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, किसकी ए की जो प्रोड्यूस हो रही है। तो 4 मिनट लेगी एक्स ए, 1 मिनट लेगी एक्स बी, और जो कि किससे कम होना चाहिए 650 से। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होगा, 6 मिनट एक यूनिट ले जाएगी और 1 मिनट लेके जाएगी बी की यूनिट, तो दोनों का टाइम कितना होना चाहिए 800 से कम। ये हमारी क्या होगी कंस्ट्रेंट, ये हो गया हमारा ऑप्टिमल फंक्शन, ये हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आएगा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो खैर हमें सिर्फ ये लिखना होता है। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, हम नेगेटिव तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते कि नेगेटिव हो,
नेगेटिव तो सिर्फ हम एलजेब्रा को इजी करने के लिए कंसीडर करते हैं, नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक्स ए एंड एक्स बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो और मे बी इक्वल, हो सकता है हम ए को प्रोड्यूस ही ना करें, ठीक है। तो वो हम इसको सोल्व करने के बाद देखेंगे। तो मैं एक बार इसको थोड़े से जगह बना देता हूँ। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके सॉल्यूशन को एक ग्राफ के मेथड से। तो सबसे पहले हम एक बार इनका सॉल्यूशन निकालते हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर मैं इसको, ये जो कंस्ट्रेंट है हमें ये इक्वेशंस के तौर पर लिख लेनी है, क्योंकि एज यू नो अगर आपने इन इक्वालिटीज़ को सोल्व किया तो कोई अगर इक्वल का साइन है तो हम उसको कंसीडर करते थे, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो उस लाइन पर जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे वो हम कंसीडर नहीं करते थे, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते थे। अब एज वी नो एक्स ए एंड एक्स बी बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है, बाकी के जो तीन क्वाड्रेंट हैं वो हमें कंसीडर नहीं करने हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ क्योंकि इस पे इक्वालिटी का साइन है। तो हम अगर इस लाइन के ऊपर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो जो भी उससे नीचे वाले सॉल्यूशन, यानी कि जो भी एक्स ए और एक्स बी की जो नीचे की वैल्यूज होंगी वो सारा उसके सॉल्यूशंस में काउंट होगा, ये सब इसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, राइट। तो एक बार पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। अगर मैं सपोज करें कि एक्स ए को जीरो कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, एक्स ए ये पूरी लाइन क्या है, इस पे एक्स ए की वैल्यू जीरो रहेगी, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी इस पे, 650। ये कुछ यहाँ पे ये आया 650, ठीक है, याद रखना 650। मैं थोड़ा सा एरो लगा के लिख देता हूँ 650, ये मिनट्स हैं, ठीक है, मिनट। तो एक्स ए ने एक्स बी ने कितनी मिनट ली, 650। अगर मैं एक्स को एक भी मिनट ना दूं एम वन के ऊपर तो कितनी ले गई, सारी बी ले जाएगा 650 की 650। और अगर मैं एक्स बी को एक भी मिनट ना दूं, सारी मिनट एक्स ए को दे दूं, यानी कि एक्स बी को मैं जीरो रखूं, तो इसको कितनी मिलेगी, एक यूनिट को 650/4 कितनी वैल्यू होगी इसकी, तो एक वैल्यू कुछ आएगी 162.5। तो 162.5 कहाँ पे पड़ेगा अपना, ये तकरीबन 150, ये अपना तकरीबन यहाँ आएगा, क्या है ये वैल्यू 162.5। हमें अपनी पहली इक्वेशन मिल गई, इक्वल का साइन है, कोई डॉटेड लाइन नहीं, पूरी एज इट इज लाइन बनानी हमें, दोनों को ज्वाइंट कर देना। इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं इसकी मदद ले देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेकंड इक्वेशन की मैं अगर बात करूं तो सेकंड इक्वेशन का क्या रहेगा, अगर मैं एक्स ए को जीरो कर दूं तो 800 के 800 मिनट कौन लेके जाएगा, एक्स बी, और अगर मैं एक्स बी को जीरो कर दूं तो सारी मिनट कौन लेके जाएगा, एक्स ए, लेकिन उसको 6 मिनट चाहिए, तो एक यूनिट को कितनी मिलेगी, 800/6 जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 133.3। तो ये तकरीबन 100 था, तो ये इससे नीचे ही आएगा, 162 से नीचे आएगा, कितना आया, 133.3 के अप्रोक्स, इतनी मिनट ये लेकर के जाएगा पर यूनिट ऑफ ए।
तो अभी मेरे को ज्वाइन करना है ये, तो मैं एक बार फिर से तो ये कुछ है जैसे इसका पूरा ये फिजिबल मैंने आपको बताया था, ये पूरा इसका फिजिबल वैल्यूज हैं, ये सारी इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब इसका भी एक अलग बनेगा, अगर मैं कुछ ये ऐसा दिखाऊं तो इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो इससे बाहर है और कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो कॉमन है। तो जो इस फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट का पार्ट था ये, और यहाँ पे जो सेकंड का पार्ट है ये हमारा नॉन फिजिबल सॉल्यूशन होगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए एक्स ए और एक्स बी की जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी वो एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और उस फिजिबल में से भी हमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा है, हमारा ऑप्टिमल ज़्यादा प्रॉफिट देगा, हमें केवल वही सिलेक्ट करना है। तो ये क्या है, ये जो दोनों में कॉमन आएगा ये पार्ट रहेगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। इसके अंदर जितने भी एक्स ए और एक्स बी के वैल्यूज हैं वो दोनों कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। जो लाइंस के ऊपर हैं वो भी, जो अंदर हैं वो, उनको तो फिर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो उससे छोटी हैं, तो हमें तो मैक्सिमम देखना है। तो अब हमें पता है लाइन हमारी इंक्लूडेड है ड्यू टू इक्वेलिटी, इक्वल साइन है मतलब। और तो हमारा सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें लाइंस पर ही मिलेगा। और सॉल्यूशन क्या होता है, कट करे जहां पर, तो यहां पर सिर्फ चार कॉर्नर मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो फिजिबल कौन सा पार्ट है, ये इसके चार कोने कौन से हैं, एक तो 650 हो गया, एक ये जो कट पॉइंट है, ये कट पॉइंट ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक्स ए की क्या वैल्यू है, एक्स बी की क्या वैल्यू है, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि ये एक्स ए जी, तो ये हमारा एक्स ए पीछे आएगा, एक्स बी आगे आएगा, ऐसे होता है ना, वो एक्स वाई बनाते हैं, तो ये हमारा इसी तरह एक्स बी है और वो क्या है, एक्स ए की वैल्यूज हैं, तो एक्स बी और एक्स ए, तो ये हमारा एक्स बी और एक्स ए, ये वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। कोई भी आप स्टूडेंट कोई भी अपना छोटी क्लास का मेथड लगा सकते हैं इसको निकाल, दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, मल्टीपल वगैरह जो भी निकालना है। बाकी मैं तो सबसे इजीएस्ट वे फॉलो करता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। इसमें से इसमें माइनस कर दिया और वैल्यू आ गई। चलो खैर, हमें निकालना है, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट हो गए। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये जो चार पॉइंट हैं जो अपनी नज़र है जिस पे, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये वाला छोटे वाला, ठीक है। तीसरा और चौथा क्या है, ओरिजिन, जहां पर दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0। तो हमारे पास चार वे मेन फोकस पॉइंट हैं जो अब हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने वाले हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हैं हमारे पास जो फिजिबल में हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं अभी, बाकी तो पॉइंट मेरे को पता है, ये निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे इस इक्वेशन में, तो मैं ये वाली इक्वेशन माइनस करता हूँ अभी के लिए, इसको इक्वल मान लीजिए क्योंकि मैं सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे वाले सॉल्यूशन से अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ऑप्टिमल से मतलब है। तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन कंसिडर करूँगा,
इसमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2xa, 800 में से 150 का हाफ 75, xa की वैल्यू कितनी आई 75, तो इसी तरह xb की वैल्यू कितनी आएगी, पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो आ जाएगी 350। xb की कितनी वैल्यू आई 350, तो यहाँ पर xb और xa हमारे आ चुके हैं 350 और कितना है 75। इतनी यूनिट्स हम बना सकते हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि हम 350 इसको पैदा करें और 75 यूनिट ये पैदा करें। एक सॉल्यूशन ये है कि हम 650 के 650 मिनट ही उसको दे दें ए को, तो उसकी 650 यूनिटें प्रोड्यूस हो जाएंगी। सॉरी, ए को जीरो रख के एक्स बी की 650 यूनिटें बना दें। या हम ये कर सकते हैं कि एक्स बी को दे ही ना, सिर्फ ए की यूनिट प्रोडक्शन कर दें। तो इस तरह अब हमें चारों के चारों सॉल्यूशंस को इस फंक्शन में रखने के बाद इसकी वैल्यूज निकाल के देखनी है कि कौन सी सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब प्रॉफिट दे रहा है। तो मैं एक बार फिर से एक बार इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ, सिर्फ अपने पास ये सॉल्यूशंस रहने चाहिए। तो अभी हमें किन चार पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है अपना सॉल्यूशन। जेड एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू मैंने लिख दी है, एक्स बी पहले है एक्स ए बाद में है, क्योंकि हमने ग्राफ कुछ इसी तरह बनाया है। तो अभी इक्वेशंस इस इक्वेशन में रखते जाएंगे एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू, और इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा आंसर हमें जेड की प्रोवाइड करेगी वो यू ए और यू बी की वैल्यू बन जाएगी, जो एक्स ए और एक्स बी की थी। समझ आया? तो अभी आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो इसमें तो हमें पता है कि पीछे वाली कौन सी है, एक्स ए की वैल्यू। तो 10xa को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जीरो है ही, 133.3 का बन जाएगा 1333। 350 और 75, 350 इसको और 75 इसको, कितना हो जाएगा 750 और ये 4950, करेक्ट। और इसके बाद 650 और जीरो, यानी कि इसको 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अपना 0, करेक्ट। और जीरो दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आई 7800। कितने पे वैल्यू आई, एक्स बी की क्या वैल्यू आई 650, एक्स ए की क्या वैल्यू आई 0। हमने बी को, ए को प्रोड्यूस ही नहीं किया, सारा टाइम हमने किसको दे दिया, एक्स बी को, एक्स ए को हमने कुछ दिया ही नहीं। तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, हुई मतलब हमें करनी है मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 7800 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट। यही वैल्यूज किसकी हैं, यूए एंड यूबी एंड यूए, यानी कि वो मैक्सिमम सॉल्यूशन वाले की, ठीक है। इसकी कितनी यूनिट हमें बनानी है, जीरो। तो मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है इस वैल्यू में, इस सारे प्रॉब्लम में 7800 का, अगर हमारे पास इतनी टाइम M1 और M2 की लिमिटेशंस हैं तो हम फिर भी इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे 650 यूनिट्स को केवल B की प्रोडक्शन कर दी, प्रोडक्ट A को हमें बनाना ही नहीं है। तो मेन बात इसमें जो समझने की थी वो था फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम सोल्व करते हैं किसी भी चीज़ को। हमें फिजिबल की सिर्फ मेन लाइनिंग्स पे ही हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, और जब भी सिंप्लेक्स मेथड वगैरह ये सब यूज़ करते हैं हम, मैक्सिमम टाइम हमेशा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा मैक्सिमम ही निकालते हैं। तो जेड मिनिमम रेयर चांस होते हैं, हमें मेनली जेड मैक्सिमम ही निकालना होता है।
ट्रांसपोर्टेशन जो अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मतलब 5 लेक्चर के बाद उसमें हम पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। उसमें मिनिमम निकालना होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मालिका खर्चा होता है जो कि हमें कम से कम करना होता है। तो अभी चलते हैं, मूव करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 524 की ओर से आपको इसका या तो नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में जवाब आपके कमेंट्स का दे दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड के बाद सिंप्लेक्स मेथड के ओर। तो उसमें भी हम एक नया एग्जांपल लेकर के सीखते हैं। तो मैंने सिंप्लेक्स मेथड की एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिख ली है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव इसको सोल्व करना नहीं है, इसके स्टेप्स आपको समझाना है। क्या सोल्व तो हम साथ साथ करेंगे। तो आप देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव या ऑप्टिमल फंक्शन जो भी आप कहना चाहें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कंस्टेंट्स और ये हमारी वेल प्रूव्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अब हमें सबसे पहले कंस्टेंट को देखते ही सबसे पहले क्या ध्यान करना है कि इनइक्वालिटी सारी की सारी लेसर देन वेरिएबल की तरफ होनी चाहिए और कांस्टेंट की तरफ ग्रेटर देन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक इक्वेशन है वो है इसके अपोजिट केस की, तो हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, -2x1 -4x2 लेसर देन इक्वल टू 24। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को ऐसे चेंज कर देना है। जब हमें इस चीज का कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद क्या करना है, हमें एक स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं। और ध्यान रखिए, स्लैक वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव हमें ऐड करने होते हैं। तो जब भी यहाँ पे इक्वल वगैरह के साइन आएंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा विगम मेथड बेस्ड। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा एक इनइक्वालिटी है साथ में, तो हमें उस चीज़ की अभी चिंता नहीं करनी है। अभी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर लेसर देन वैल्यू है तो उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो वो किसी चीज़ के इक्वल होती है। क्योंकि ये चीज़ अगर 3, 5 से लेस है तो मैं इसमें पॉजिटिव कोई वैल्यू ऐड करूँगा, तभी तो ये 5 के इक्वल होगा, करेक्ट। तो इसी तरह यहाँ पर 2 क्या होगा, हमारा स्लैक वेरिएबल। तो इसी तरह अभी हमें वहाँ पे पता नहीं है, तो हम वहाँ पे S1 S2 S3 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से ऐड करेंगे। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना हमें मिनिमम निकालना है। तो इसको मिनिमम की जगह अगर हम इसको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम बनाना चाहे तो क्या होगा, जस्ट इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जेड मैक्सिमम। जस्ट उल्टा होता है जेड मैक्सिमम, उल्टा मतलब इन द सेंस ऑफ साइन। इसको -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये अभी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। और जैसे ही जो हमारा मैक्सिमम में आंसर आ जाएगा, तो लास्ट में हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो वैल्यू हमें मिल सके। तो ये थी आपको दूसरी बात, आप ये चीज़ें नोट करते जाएं। फर्स्ट मैंने बताया इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, कोई इक्वल का साइन ना हो, मतलब ओनली इक्वल का साइन ना हो, लेसर देन की वैल्यू वहाँ पर अटैच होनी चाहिए। अगर लेसर देन इनइक्वालिटी है तो वो सारी इस वेरिएबल की तरफ लेसर अमाउंट में होनी चाहिए, जो लेसर साइन है वो वेरिएबल्स की ओर होना चाहिए। नहीं है तो हम -1 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। स्लैक वेरिएबल को ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी, और किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना इनइक्वालिटी के मुकाबले इजी रहता है। बाकी हमने पीछे अभी ग्राफिकल मेथड में पढ़ा,
जब हम इक्वल को सोल्व कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू वहीं पर छुपी होती है, उसी लाइन के ऊपर होती है, तो उससे नीचे वाली तो उससे कम ही वैल्यू देती है। ठीक है, तो अभी हम सोल्व करते हैं इस चीज को। स्लैक वेरिएबल ऐड करना है तो क्या होगा, जेड मैक्सिमम की अगर मैं अभी वैल्यू लिखने वाला हूं, तो मैंने इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया था, तो ये वैल्यू सारी साइन में अपोजिट हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट में अपना स्लैक वेरिएबल ऐड करता हूँ, मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 3x1 - x2 + 2x3, तो यहाँ पे हो जाएगा s1 ऐड, और s1 ऐड होती है किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल 14, करेक्ट। यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया जो कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, आप इस चीज को भी नोट कर लें क्योंकि बिगम मेथड में इस चीज का यूज होने वाला है। नेक्स्ट अपना रहेगा 2x की जगह -2x1 - 4x2, ये सब वैल्यू जीरो रहेंगी, +s2 = 24। नेक्स्ट ऐसी नेक्स्ट में ऐड करेंगे 4x1 + 3x2 + 8x3 + s3 = 20। तो ये हमारी स्लैक वेरिएबल्स की भी एडिशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, और ये तो नॉर्मली रहेगा x1 x2 x3। वन मोर थिंग टू नो कि जब हमने इसमें s1 s2 s3 ऐड किए हैं तो हमारी उस हिसाब से यहाँ पे इक्वालिटी साइन आई है, और उसी हिसाब से फिर अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करते हैं, वेरिएबल का मतलब मैंने आपको पीछे ग्राफिकल मेथड में बताया, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट उतने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उस पर कोई प्रॉफिट भी जनरेट होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें s1 s2 s3 सिर्फ इक्वल साइन लाने के लिए लिखा है, तो अब हमें पता है कि ये कोई एक्चुअल प्रोडक्शन इनकी नहीं होनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन हमें क्या रखनी है इनकी, जीरो। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना पॉजिटिव वाले, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो 0 s1 की प्रोडक्शन होनी है, 0 s2 की प्रोडक्शन हो रही है, और 0 s3 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है। तो जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे चेंज हो गया आफ्टर स्लैक वेरिएबल ये, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स कंस्ट्रेंट कैसे चेंज होगी s1 s2 s3 ऐड करने के बाद। तो इसका सबसे पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है जो कि हम लेट करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 0 मतलब ग्राफिकल पे हमने देखा था, ग्राफिकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो 2 वेरिएबल से ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकता, क्यों थर्ड वाली आप कैसे बनाएंगे 2D में, लेकिन यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड लगा नहीं सकते। जैसे हमने ये चीज़ें डिफाइन की थी तो फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया था, 1 को 0 किया था, दूसरा वैल्यू आई थी, 1 को 0 किया था, दूसरी वैल्यू आई थी, इसी तरह अभी हम अब हमें शुरुआत करने के लिए एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, जो कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो s1 s2 s3 आएंगे, उसके लिए हमें एक वैल्यू माननी पड़ेगी। हो सकता है ना कि x1 x2 x3 ये कभी फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर 0 हो ही ना, अगर मैं 2D के हिसाब से बताऊं तो जरूरी नहीं है ना कि ये पॉइंट हमारा फिजिबल वो जो हमने अंदर कॉमन वाला ग्राफ पार्ट बनाया था वो उसमें लाई करें, ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो कि ये दोनों पॉइंट हमारे फिजिबल सॉल्यूशन वाले पार्ट में आए, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, नॉन बेसिक सॉल्यूशन, किसको, x1 x2 x3 को हम 0 लेते हैं, करेक्ट। उसके बाद लास्ट में अगर आते भी हैं तो भी
अभी हमें ये नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मानने हैं, नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसके बाद जो अब हमें ये पॉइंट रखने के बाद जो S1, S2, S3 की वैल्यू मिलने वाली हैं वो हम बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक का वर्ड आप अभी क्लियर समझ पा रहे होंगे कि बेसिक क्यों लगाया है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमने नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखा, उसके हिसाब से हमने एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। जो लास्ट में अभी फिजिबल सॉल्यूशंस आने शुरू होंगे नेक्स्ट स्टेप से, उसके बाद धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता जाएगा और लास्ट में हमारा सिंप्लेक्स मेथड में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा, जहाँ पर भी वहाँ पे हम अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ये जस्ट एक बार स्टार्ट करने के लिए, पिकअप देने के लिए। एस टू की वैल्यू कितनी आई 24 और एस थ्री की वैल्यू कितनी आई 20। ये वैल्यूज इन कंस्ट्रेंट्स में रखने के बाद उसको हम लास्ट में कंसीडर करेंगे, अभी सिर्फ ये चीजें हैं लास्ट में, मतलब सिंप्लेक्स मेथड में तो इसमें शुरू में यूज हो जाता है जब हम टेबल बनाएंगे। तो अभी आप ये चीज ध्यान रखिए कि क्या है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। करेक्ट, तो अभी हम टेबल तैयार कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट इसकी टेबल तैयार करने वाले हैं।